हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के टॉपिक है कैमरा सेटिंग यूज़ कैसे करते हो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है और सैमसंग का फ़ोन है। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद आपको बस मतलब इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है फोटो एंड फोटो की सेटिंग भी क्लिक कर देते हैं। तब आपको यहाँ दिख जाता है और ये वाला ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करते हैं तो शटर साउंड यानी कि वॉल्यूम बटन से भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो स्केचर आ जाएगा एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है गाइडलाइंस का ऑप्शन है एंड वाटरमार्क इस प्रकार से ऑन होता है, इस प्रकार से ऑफ होता है एंड रीसेट सेटिंग भी क्लिक कर देंगे। यहाँ से रीसेट कर देते हैं जो भी होता है, कैमरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कैमरा को रीसेट करने से। एंड फोटो की यहाँ पर आपको दिख जाता है टाइमर का भी ऑप्शन, 2 सेकंड 3 सेकंड अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं टाइमर का एंड इस पर क्लिक कर देंगे और आपका ऐड हो चुका देख सकते हैं कैमरा टाइमर। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा टाइमर को सेट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम देख सकते हैं वीडियो का ऑप्शन है और बॉर्ड के ऑप्शन पे ये सब दिख जाता है आपको एंड फोर्ड माइक्रो ये सब का ऑप्शन दिख जाता है आपको एंड फ्रंट कैमरा देखते हैं। फ्रंट कैमरे की मोर पे क्या ऑप्शन आता है देख सकते हैं सेम है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है। जब इसकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो वीडियो की सेटिंग में जाके एक बार रीसेट करेंगे जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एंड इसके बाद इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं आप, अच्छा है इसमें। और फ्रेंड्स, इसमें कोई ब्यूटी मोड नहीं होता है देख सकते हैं आप एंड इस पेंसिल पे शायद होगा मतलब ऐड करते समय हो जाता है ब्यूटी कैमरा देख सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। कैमरा एकदम सही है, बिना ब्यूटी कैमरा का भी अच्छा है देख सकते हो फोटो। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।